गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के लगभग बज रहे हैं 6:45 और वी आर इनसाइड दिस एसी वेटिंग रूम। तो ये रेलवे में आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। वी वर सर्चिंग फॉर दी डोरमेट्री बट यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे बैठना पड़ा। मतलब हम लोग खड़गपुर पहुँच गए थे मॉर्निंग समवेयर अराउंड 1 PM एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ रुक के रेस्ट किया एंड देन अभी विल बी गोइंग टू आई आई टी खड़गपुर। मिलते हैं वहाँ पर। दे ऑल आर कमिंग। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। आई जस्ट गॉट स्लिप्ड। रेलवे ने पोछा लगाया था सुबह सुबह और लेफ्ट आर्म में लगा है वहीं पर जहाँ ऑपरेशन हुआ था। मतलब एग्जैक्टली वहीं पर लगा। मैं सीढ़ी से थोड़ा सा फिसला और वहाँ पर हाथ में लगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन और उसको मुझे शायद दिखाना होगा। मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। एंड अभी हमें जाना है कैंपस के अंदर। वी आर फाइंडिंग द ऑटो। थर्ड फ्लोर में वी हैव द रूम एंड फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट बिकॉज दे सेड कि दिस इज ऑलमोस्ट अ क्लोजिंग टाइम। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जो है रूम की तरफ चलते हैं। इट इज ब्रेकफास्ट गाइस। ब्रेकफास्ट आ जाओ। प्रेस 3। So guys, how was the breakfast? I think that was good, है ना? तो ब्रेकफास्ट हमेशा इस तरह से लेना। तो फिलहाल मैं और प्रत्युष जा रहे हैं थोड़ा सा हाथ को दिखाना, बिकॉज प्रत्युष ने मुझसे बोला कि सर यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया। तो स्वेलिंग क्या है क्या नहीं है उसको चेक करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू दिस BC रॉय आई थिंक एक हॉस्पिटल है यहाँ पर पहले वहाँ जाने के लिए। पर्ची कटाने का फिर जाने का। फीलिंग लिटिल बिट रिलैक्स बिकॉज डॉक्टर सेट की अगर थोड़ा सा लगा है तो ऑफकोर्स ही बात है थोड़ा स्वेलिंग होगा। उसके लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा स्वेलिंग होता है या बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप दिखा दीजिएगा। हाँ पेन तो नहीं है दैट आल से, बट हाँ हल्का सा स्वेलिंग ज़रूर हुआ था। भाई क्या हुआ गाइस क्या हुआ। इवनिंग के लगभग बज रहे हो रहे हैं 5, मतलब शाम के लगभग 5:30 के आसपास हो रहे हैं। और व्हेन आई केम हियर आई थॉट कि पहले जो बेसिक चीज़ें बच्चों को चाहे सेटल करना हो, थोड़ा खाना पीना खाना हो, थोड़ा सा रेस्ट करना हो, ये करने के बाद मैं शाम को थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ। दिन भर तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज चीज़ें कम्प्लीट करनी थी, वो सब कुछ कम्प्लीट किया एंड जो भी है। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि हाँ बच्चे कहाँ रखे हुए। मैंने अपना रूम तो दिखा दिया तुम्हें, अगर तुम देखना चाहो तो फिर से ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम, ठीक है।
क्योंकि आई टी वाले ने दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, सारी चीज़ें पर अच्छे से रखी हैं। माई रूम पार्टनर इज़ नॉट विद मी। आगे देखते हैं क्या होता है। ये मस्त प्यारा सा शीशा दिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप अपने आपको देख सकते हैं। और ये मैं निकाल लेता हूँ अपना कार्ड, एंड देन दिस विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। एंड फिर जैसे मैं रूम में आऊँगा तो मुझे कार्ड स्वाइप करना होगा, एंड देन फिर मुझे एंट्री मिल जाएगा। ओ मुझे लगा था आप कहाँ गए हो, कोई है नहीं कहीं पे है, सो रहे। बड़ी जल्दी फैल गए लो। तो गाइस इन लोगों ने रूम में पूरा सामान बिखाया। तो ये रहा पवन, सो क्यों गए इतनी जल्दी? अरे ये प्रत्युष को तो कैसे सोया हुआ है? ओ सही से सोचा भाई, पता नहीं ही इज इन टू मच नींद। और ये प्रोजेक्ट का पता नहीं, शायद लोगों ने बना लिया, शायद नहीं बनाया। हाँ किससे किससे मंगाया, कौन सर, कौन है? अब घुमा, इतना आराम से घूम रहा है। तो ऐसा काम करना, एक काम करना, पीस रख लेने या फिर थर्माकोल का पीस रख लेने, कुछ रख लेंगे वहाँ। सो मास्टर प्रत्युष इज गिविंग द फाइनल टच ऑलमोस्ट पेंटिंग करके। और तो कुछ नहीं रहेगा इसमें, सब हो गया ना लगभग। और जो पाइपलाइन हमें फिट करनी थी वो, उसके लिए ऐश चाहिए अभी। ऐश का बिना ऐश के नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा था कि मैं उसको जो है मैं बना दूंगा। चलो मैं इसको कुछ करता हूँ व्यवस्था, इसका जुगाड़ में करता हूँ, ठीक है। आई यू जस्ट डू द पेंट एंड ये मॉर्निंग तक सूख जाएगा। भाई साहब कह रहे गए सामान पैकिंग कई की, ओके हाँ गुड। हाँ इसका रायता जो है साफ कर लो, इतनी बोतल में पानी की भर लिया। वैसे तो हमने सही किया, बहुत ही सही किया, बहुत ही बढ़िया। गाइस यहाँ पे पानी का थोड़ा शॉर्टेज, इतना पानी भर लिया क्या बताऊँ तुम्हें। चलो ठीक है, ये वीडियो कल यानी 19 का है और इसे आज तुम देख रहे होगे, दैट इज़ ऑन 20th जनवरी। कल अपलोड हो जाता बिकॉज जो नेटवर्क था पता नहीं क्या इशूज़ हैं इनके वाईफाई में, पता नहीं क्या है। मतलब नेट तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, बट मतलब जो मैं चलाना चाह रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर और मतलब जो भी मैं एप्लीकेशन चलाना चाह रहा हूँ, उसमें रेस्ट्रिक्शन आ रही है, आई डोंट नो द रीज़न। तो कल यानी आज कब शूट कर रहा हूँ इसे, मतलब जब भी शूट कर रहा हूँ, तो शायद मेरे मोबाइल का जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा, और जब मेरे मोबाइल का डेटा मुझे मिल जाएगा तो उस नेटवर्क से मैं एडिटिंग कर पाऊँगा, और एडिटिंग करूँगा तब ये ब्लॉग जो है मैं अपलोड कर पाऊँगा। तो यही रीज़न था कि मैं कल जो है ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, एंड आज मैं कर रहा हूँ। सो बने रहिए, और 20th जनवरी का ब्लॉग तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ये फिलहाल 19th जनवरी के ब्लॉग का एंडिंग है। सी यू।